नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर। दोस्तों, अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, जो मोदी गवर्नमेंट लागू करने जा रही है। शिक्षक भर्ती में दोस्तों अब नई शिक्षा नीति बाधा बनेगी, क्या कुछ रहेगा इसमें खास, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप स्किप ना करें इस वीडियो को, क्योंकि अगर स्किप किया तो आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न लागू करने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति को अब लगभग मंजूरी मिलने वाली है। जो शिक्षक बनने की इच्छा देख रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए भी नई मुसीबत सामने आ रही है कि नई शिक्षा नीति में अब डेमो क्लास इंटरव्यू उनके लिए बाधा बनेगी और इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने शिक्षा के निजीकरण की योजना भी बनाई है। पदों में कटौती का भी रास्ता तय कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा को निजी हाथों में देने की योजना बना ली है। इस नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्णय कर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की भर्ती पर लगाम लगाने का भी प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार शिक्षक भर्ती भी नहीं निकालना चाहती, क्योंकि अब जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी में लगी हुई हैं, अब उनको स्कूलों में पढ़ाएगी। जो आंगनबाड़ी का अलग भवन में चल रहा है, जो केंद्र जो उसका सेंटर है आंगनबाड़ी का, वो अब स्कूलों में चलेगा और छोटे बच्चों को वो पढ़ाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में केंद्र स्थापित होने के बाद पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही पढ़ाएगी। इसमें शिक्षकों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि जो पहली और दूसरी क्लास है सरकारी स्कूल में, उनको उनके बच्चों को सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही पढ़ाएगी, इसके अलावा कोई भी नहीं पढ़ाएगा। कोई किसी भी प्रकार के शिक्षक का कोई इसमें रोल नहीं होगा। गुणवत्ता के अभाव में गिरेगा नामांकन। 8वीं व 10वीं पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योग्यता और अनुभव के बिना बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है। इसके लिए पढ़ाने का अनुभव और योग्यता दोनों जरूरी है। शिक्षा की नींव कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को कमजोर नहीं चाहता। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देख कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं करवाएगा। अगर एक बार प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में नहीं होगा तो बाद में वह बच्चा वापस नहीं आएगा। इस तरह सरकारी स्कूलों का नामांकन कमजोर, सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसकी योग्यता 8वीं और 10वीं कक्षा पास है, वो अगर स्कूली शिक्षा बच्चों को देगी प्रारंभिक स्तर पे, तो बच्चे न तो उनसे कुछ सीख पाएंगे और न ही उनके विभाग उनको सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला पाएंगे, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों का जो नामांकन है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा सरकार इसमें निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। 18 साल की उम्र में 12वीं कक्षा पास। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई 18 साल की उम्र में पूरी होगी। शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का फॉर्मूला तय किया गया, यानी कि सरकार ने 10+2 की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न यहाँ पे लागू करने जा रही है। यानी कि 3 से 8 तक की उम्र तक एक बच्चा 5वीं पास 5 साल में प्री प्राइमरी कक्षा में पढ़ेगा। 9 साल से 11 साल की उम्र में यह 5वीं, 14 साल की उम्र में 8वीं और 18 साल की उम्र में 12वीं में कक्षा पास करेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा क्या कुछ है इसमें खास, इसके अलावा दोस्तों पदों में कटौती का रास्ता यहाँ पर तय किया गया है। उपेंद्र शर्मा जो प्रदेश महामंत्री है राजस्थान शिक्षक संघ के, इन्होंने क्या कहा है, सरकार ने बहुत ही चालाकी से प्राथमिक शिक्षा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपुर्द कर शिक्षकों के पदों में कटौती का रास्ता तय किया है। दूसरे चरण में प्राथमिक शिक्षा को निजी क्षेत्र में हवाले कर सरकार अपने शिक्षा के निजीकरण के मकसद में कामयाब हो जाएगी। यानी कि पहली से
दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा अब दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देकर सरकार ने की पहल। शिक्षक भर्ती में नई शिक्षा नीति बनेगी बाधा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने शिक्षा के निजीकरण की योजना बनाई गई है, जिससे दोस्तों अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनको पढ़ाएगी बच्चों को पहली और दूसरी कक्षा में, तो स्कूलों का नामांकन भी गिरेगा, और अगर कोई अभिभावक स्कूल सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता तो उसकी जो नींव होती है पहले जो मजबूत होनी चाहिए वो कमजोर होगी, जिससे इनका जो नामांकन है सरकारी स्कूलों में वो गिरेगा, और लगातार गिरने की वजह से सरकार निजीकरण को बढ़ावा यहाँ पे दे रही है। इसके अलावा अब यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए इंटरव्यू की योग्यता इन्होंने रखी है, जो भ्रष्टाचार सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। इसके अलावा अब सरकारी जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति स्थायी न होकर अस्थायी होगी, यानी कि हर 5 साल में इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर पढ़ाने का तरीका उनका सही है तो उनको सरकार आगे रखेगी, वरना उनको निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति में अब शिक्षक भर्ती में भी बनेगी बाधा। नई शिक्षा नीति में सरकार को कुछ संशोधन करके लागू करने चाहिए, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कक्षा पहली और दूसरी पढ़ाने न दिया जाए। इसके अलावा इंटरव्यू संबंधी बाध्यता को उठाना चाहिए। डेमो क्लासेस का जो पैटर्न है उसको दूर करना चाहिए। इसके अलावा कई सारे ऐसे दोस्तों कदम हैं जिनको सरकार को सोच समझ के इसमें रखना चाहिए, और उस जो नई शिक्षा नीति है उसको संशोधित करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।